अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म उत्सव शिमला 2022 के अवसर पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर दौलत सिंह पार्क में 3 दिवसीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ महाविद्यालय के छात्र और जो पेशे से चित्रकार हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले सत्र में पहली से लेकर पांचवीं कक्षा के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में पहली से पांचवीं कक्षा के 17 स्कूलों के 151 बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी कला को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर उच्चतर शिक्षा के उपनिदेशक व विज्ञान सलाहकार निदेशक डीएन आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि शिमला प्रशासन के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव के अवसर पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें चित्रकला और नाट्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि इन प्रतियोगिताओं में शिमला के बच्चे और अन्य लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करें। ये जो इंटरनेशनल समर फेस्टिवल शिमला है, जैसा कि आपको विदित है, 5 जून से लेकर 8 जून तक मनाया जा रहा है। अब की बार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, डीसी साहब हैं, एडीसी साहब हैं, उनका एक अलग से एक विचार है कि इस बार खूब गतिविधियां हो, पूरे का पूरा जो शहर है वो इन्वॉल्व हो इसमें। इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं, उसमें से एक जो पार्ट है वो पेंटिंग कंपटीशन का है। पेंटिंग कंपटीशन आज से शुरू है, 1 तारीख को सुबह के समय 11 बजे से 1 बजे तक सब जूनियर कॉम्पिटिशन है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक है। अभी हमारे पास 17 स्कूल आए हैं, इनके कुल 151 बच्चे हमारे पास अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद जूनियर ग्रुप का है 2 बजे से 4 बजे तक, और उसके बाद कल होगा सीनियर ग्रुप का, और परसों होगा 3 तारीख को कॉलेज और प्रोफेशनल्स उनका होगा। 3 दिन ये लगातार चलेंगे, ये कॉम्पिटिटिव है, इसमें अवार्ड दिए जाएंगे। जब जैसे ही हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा समर फेस्टिवल का, तो चीफ गेस्ट से यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको इनाम दिए जाएंगे। मेन जो इसका आपने पूछा उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य बच्चों के अंदर एक जागृति और एक ऐसी भावना कि शहर हमारा है, इसको साफ भी रखना है और इसमें मिलजुल के रहना है। और समर फेस्टिवल जैसा कि आपको विदित है कि एक इंटरनेशनल मैसेज भी देता है कि पेंटिंग का क्या महत्व है। आपस में बच्चे आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, आपस में सहयोग की भावना होगी और हम सब मिलकर के पूरा शहर इन्वॉल्व होगा। इसमें समर फेस्टिवल को हम सारे सक्सेसफुल बनाएंगे।